प्यार किया तो डरना क्या, यह फिल्म का डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्रेमी से मिलने भारत आ पहुंची है, जिसके बाद काफी बखेड़ा खड़ा हो गया। आपको बता दूं कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अपने प्रेमी सचिन को मिलने पहुंच गई और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग गई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस महिला को जासूसी का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दावपेचों के चलते इस महिला को कोर्ट ने बरी कर दिया गया। जब यह महिला कोर्ट से बाहर आती है तो इसके चेहरे पर एक नया ही निखार दिखाई दिया। यह महिला अपने स्टेटमेंट में कहती है कि वो अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है, वो यहीं पर अपने प्रेमी सचिन के साथ ही रहना चाहती। तो इसने ये भी कहा कि 2019 में उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी के लिए चला गया था, जिसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं था और वो अकेले ही अपने बच्चों का व्यापन कर जीवन व्यतीत कर रही थी। इसने यह भी कहा कि इसका इसके पति के साथ हमेशा अनबन होते रहता था, हमेशा झगड़ा होते रहता था, जिसके चलते वो काफी परेशान रहती थी। अपने पति हैदर के सऊदी जाने के बाद यह महिला की मुलाकात पबजी गेम के जरिए सचिन से हुई। ये बात इतनी बड़ी कि खेल खेल में इन दोनों में प्यार हो गया और प्यार होने के बाद धीरे धीरे व्हाट्सएप पर चैट होने लगा। सचिन इसे कई बार हिंदी फिल्में दिखाता, इसे हिंदी भाषा सिखाता, तो कई बार इसका हौसला अफजाई करता, जिसके बाद यह महिला सचिन के प्यार में ऐसे पड़ गई कि वो किसी भी हालत में उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई और वो बिना किसी चीज की परवाह करते हुए नेपाल के जरिए भारत आ पहुंची। यह महिला ने भारत आने के लिए कई बार पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन जंग पर तनाव ज्यादा होने के कारण इस महिला को पासपोर्ट और वीजा नहीं मिल पाया, जिसके बाद कराची के एक ट्रेवल एजेंसी से इसकी बातचीत हुई। इस एजेंट ने उसे बताया कि वे नेपाल के रास्ते भारत जा सकती है और अपने प्रेमी से मिल सकती है, जिसके बाद यह दोनों नेपाल में मिले और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर दी। आपको बता दूं कि इस महिला ने अपने गांव के 12 लाख की जमीन बेचकर अपने बच्चों को साथ यहां पर भारत लेकर आई है। भारत आने के बाद यह महिला पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाज और हिंदू संस्कृति के अनुसार रहने लग गई है। इस महिला ने योगी जी से अपील की है कि उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, इसका पति काफी क्रूर है और उसके वापस जाने पर उसे मार दिया जाएगा। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। जंग पबजी गेम में थी, प्यार इनमें हुआ और जायज तो हो ही गया है। यह कहानी सुनकर आपको बजरंगी भाईजान फिल्म की याद आ रही होगी, जिसमें सलमान खान एक बच्ची को छोड़ने पाकिस्तान जाते हैं। यहाँ पर तो पूरा का पूरा परिवार ही भारत आ चुका है। अब यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सीमा हैदर को छोड़कर भारत सरकार ने न्याय किया है, या फिर कानूनी प्रक्रिया को ऊपर रखकर इसे वापस भेज दिया जाए, या फिर इसके प्यार को देखते हुए इसे सचिन के साथ ही भारत में रहने दिया जाए। इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं।